कारनामा। सब कुछ जानते हुए भी अस्पताल प्रशासन बना हुआ है अनजान। मामला अमरोहा जिले के संयुक्त चिकित्सालय का है, जहां पर एक सरकारी एम्बुलेंस चालक संजय कुमार है, जो अस्पताल की सरकारी एम्बुलेंस संख्या UP41G2744 पर विगत 3.5 साल से चालक के पद पर तैनात है। देखिए कितना सातिर दिमाग का है ये चालक, जिसने अस्पताल प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रखी है। 6 माह से इस एम्बुलेंस पर 3,000 रुपए महीने का प्राइवेट संदीप नाम का चालक रखा हुआ है और खुद अस्पताल में मौज मस्ती लेता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई खबर न हो, अस्पताल प्रशासन को सब कुछ पता है, लेकिन संजय कुमार की दबंगई के कारण कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आज जब सिटी न्यूज की टीम मतदाता जागरूकता बाइक रैली की कवरेज करने के GIC मैदान में पहुंची, जहां पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर SS चिनप्पा के नेतृत्व में रैली निकाली जा रही थी, उसी समय किसी ने बताया कि इस एम्बुलेंस का जो चालक गाड़ी चला रहा है उसके ड्राइविंग लाइसेंस आज तक नहीं बना है। इसे संजय कुमार ने 3,000 के भाड़े पर रखा हुआ है। संदीप, ये सरकारी गाड़ी में तुम प्राइवेट हो चालक या सरकारी? गए हुए हैं। 3,000 रुपए महीना पर रख रखा है तुम्हारे को? 3,000 रुपए महीना पर? नहीं, मैं तो ऐसी बेकार में हूँ। ड्राइवर लाइसेंस दिखाना। सर हैवी होने के लिए गया। कोई पर्स में क्या कर रहे थे दिखाने के लिए? रसीद है मेरे पास, रसीद भी शायद कमरे में हो गया होगा। रसीद भी नहीं है? रसीद रह गई। कब से रह रहे हो इस गाड़ी में? मैं तो दो तारीख आओ तो यार। अस्पताल के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि संजय कुमार रोगियों को बहकाकर उनसे मनमाना किराया भी वसूलता है। संजय कुमार रोगियों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाता है। एक मरीज ने तो लिखित में जिलाधिकारी के नाम चिट्ठी भी दी है, जिसमें लिखा है कि संजय कुमार ने शराब के नशे में उसकी जेब से नकदी भी निकाल ली है। जब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राम निवास से मालूम किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराकर संजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट MC प्रभाकर, सिटी न्यूज अमरोहा। एमएस साहब बताएं कि 29 तारीख में एक यहाँ पे कुछ कहासुनी हो गई थी एक प्राइवेट चालक में और आपके सरकारी चालक में, एम्बुलेंस के चालकों में, तो ऐसा क्या आपके पास संज्ञान में कुछ चीज आई है? हमारी जानकारी में यह आया है कि प्राइवेट चालक और सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर में कुछ कहासुनी हुई है किसी मरीज को ले जाने को लेकर, तो इस मामले की हम जांच करवाएंगे और एक्शन लिया जाएगा। तो क्या एक प्राइवेट चालक ने आरोप लगाया है कि जो संजय नाम के चालक हैं ये नशे में रहते हैं और उन्होंने 3,000 रुपए प्रति माह पे एक प्राइवेट चालक रख रखा है गाड़ी के एम्बुलेंस पे? इस तरह की कोई जानकारी हमको नहीं मिली है, अगर इस संबंध में कोई जानकारी मिलेगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये जो संजय है सरकारी गाड़ी ड्राइवर चालक, ये शाम को और रोज जो है डेली नशे में रहते हैं और यहाँ जो है आए दिन कर्मचारियों से भी, यहाँ के जो कर्मचारी स्टाफ वाले उनसे बदतमीजी करते रहते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनकी जेबों में से भी पैसे वैसे निकालते हैं, कई बार घटना इनके सामने। तो किसी ने विरोध किया है? पैसे हाँ, विरोध किया है। जो पेशेंट आए थे उस दिन 29 तारीख में कामिंदर, उसने जो है DM के यहाँ भी DM साहब के यहाँ शिकायत की है इस बात की।